कहीं आपके बच्चे भी तो नहीं है इसके शिकार? इसका ध्यान आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों, मोबाइल एक ऐसा जहर बन चुका है जिसके आदि जो है नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और यंग जनरेशन जो कि उसका यूज भी नहीं करते हैं, यूज भी नहीं है उनके लिए, उसके आदि होते जा रहे हैं। ये एक जहर बन गया है। मैं आजकल देख रहा हूं कि साल भर बच्चे को, 6 महीने 1 साल बच्चे को मोबाइल दिखाकर, वीडियो दिखाकर उनको दूध पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। दोस्तों, क्या पता है ये बच्चे के दिमाग में इसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट हो रहा है? अगर आपको नहीं जानकारी है क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, तो मेरी पूरी वीडियो आप देखिए और आप आज से ही अपने बच्चे को मोबाइल देना बंद कर देंगे। दोस्तों, ये वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इतना अच्छा खोज किया था मोबाइल का कि हम लोग यहाँ हैं, अमेरिका बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, खबर मिल सकती है, बिजनेस से रिलेटिव कुछ रिलेटिव, लेकिन आज के समय पे इसका मिसयूज इतना हो रहा है और साइड इफेक्ट इसका इतना हो रहा है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसी में समझ लीजिए व्यस्त हैं, बिजी हैं। मैं आपको बता दूं, फेसबुक पे ज्यादा आदमी रील देखता है, यूट्यूब पे रील देखता है, व्हाट्सएप पे वीडियो देखता है, और यहां तक कि आप समझदार हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं कि क्या क्या देख सकता है। बच्चे से मोबाइल दूर रखना है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। जैसे आपका शुरू से ही बच्चे को आदत लगा दिए कि जो है मोबाइल दिखा के उसको जो है दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो बाद में चल के जो है, हाँ जैसे मोबाइल देख के अगर वो दूध पी रहा है तो उसका असर जो है उसके बॉडी पे, दूध का प्रोटीन, ताकत पूरी तरह से नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है जो कि आपके मोबाइल से संबंधित प्रॉब्लम उसको पैदा होगी, तो उसका डाइजेस्ट भी ठीक से दूध नहीं होगा और दूध एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए, जैसे आप मोबाइल खिला के उसको, मोबाइल दिखा के बार बार उसको आप खाना खिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बिना मोबाइल के खाना खिलाइए और नहीं खा पाएगा। नहीं, अगर जो ऐसे गलती जो कर रहे होंगे माता-पिता, वो आज से ही छोड़ के ट्राई करें, बिना मोबाइल के वो बेचैन रहेगा, उसका दिमाग जो है मोबाइल हैक कर रहा है, मतलब सभी बच्चों का दिमाग जो है मोबाइल हैक कर रहा है, और उसका मेमोरी मोबाइल की मेमोरी से मैच कर रहा है, इसीलिए बिना मोबाइल के वो कुछ कर नहीं सकता है। मेरी बात आपको अटपटी लग रही होगी, अजीब लग रही होगी, लेकिन जहां तक मैं आपको बात बता रहा हूं, आप भी उसमें अटके होंगे। दोस्तों, मनोरंजन करिए, मैं नहीं कहता हूं मनोरंजन करिए, लेकिन एक सीमा तक इसका यूज करिए। इसका साइड इफेक्ट इतना है कि आप इसमें लगे रहेंगे और कुछ काम धाम में मन कम लगेगा, वहां भी आप मोबाइल लेके ही चालू करेंगे। आपको लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा चैलेंज है दोस्तों, आप केवल एक दिन के लिए मोबाइल अपने से दूर रखिए और देखिए आपकी क्या हालत होती है। लेकिन आप कर नहीं सकते, एक दिन भी दूर नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं, अगर एक दिन किसी का रिचार्ज नहीं होता है तो रिचार्ज के लिए कर्जा ले लेता है, किसी से पैसे मांग लेता है, लेकिन वो रिचार्ज करवाता है और अपना प्रक्रिया चालू रखता है। जियो ने महंगा कर दिया, वोडाफोन ने महंगा कर दिया, एयरटेल ने महंगा कर दिया, जितनी कंपनियां हैं सबने महंगा कर दिया, लेकिन बिना रिचार्ज के, बिना नेट के किसी का मोबाइल बचा नहीं है। हम लोग कहां जा रहे हैं?
ये चीज सोचने की जरूरत है। अभी हंसी लग रही है, अगर 1 GB डाटा डेली मिले और अगर 2000 भी रिचार्ज हो जाएगा, दोस्तों सब रिचार्ज करवाएंगे। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बिजनेसमैन है जिनको तो जरूरत है, मेल है उनका आ रहा है, बिजनेस का व्हाट्सएप आ रहा है, फोन आ रहा है, ठीक है, वो सही बात है। लेकिन जिनको 1 रुपए का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे, जो रील देखने वाले हैं, जो यूट्यूब चलाने वाले हैं, जो इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं, वो एक दिन में भी बेचैन हो जाएंगे और बिना रिचार्ज कराए नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों मेरी सबसे विनती है कि जागरूक बनिए, अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए, ये मोबाइल सबके दिमाग को पढ़ के हैक कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप एक कुछ भी एक बार सर्च करिए और वो दिमाग गूगल जो है आपके दिमाग को पढ़ लेता है और बार बार वही चीज देगा जो आप एक बार सर्च किए रहेंगे। तो समझिए मैं क्या कह रहा हूं, और जितना देखिए बड़े जो है वो समझदार है, वो समझ जाएंगे, और जो छोटे बच्चे को मोबाइल दिखा के उनको जो है आप अपना काम कर रही हैं, तो मोबाइल से उनका लत छुड़वा दीजिए और कुछ दिन कोशिश करिए, धीरे धीरे ये मोबाइल वाली लत छूट जाएगी और बाद में वो बिना मोबाइल के रहना सीख जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर मेरी वीडियो को जो लास्ट तक आप देख रहे हैं अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूंगा जिससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।